तो देखो भाई लोग, इस वीडियो के अंदर मैं उन 5 SUV कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनको अगले महीने इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च किया जाना है। अगर आपको भी किसी न्यू कार का इंतजार है तो ये वीडियो आप एंड तक देख सकते हैं, क्योंकि अगले महीने काफी बेहतरीन SUV कारों को इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आगे जाकर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। आपका सिर्फ 1 सेकंड लगने वाला है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और दूसरा सेकंड लगेगा वीडियो को लाइक करने के लिए, और इन चीज़ों से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। फर्स्ट पोजिशन पर महिंद्रा की बोलेरो नियो प्लस है। हालांकि बोलेरो सेगमेंट के अंदर तीसरी कार की एंट्री होने वाली है जिसको अगले महीने इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। इस कार के डायमेंशन आपको करंट बोलेरो के मुकाबले थोड़े से बड़े देखने को मिल जाएंगे, यानी रोड के ऊपर ये कार आपको थोड़ी सी बड़ी दिखने वाली है, लेंथ के मामले में, विड्थ के मामले में और हाइट के मामले में। तो डेफिनेटली इस कार का रोड प्रेजेंस आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, और इसके डायमेंशन बड़े होंगे, उसी वजह से इस कार के इंटीरियर में आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा। इसके अलावा इस कार का लुक थोड़ा सा नया रखा जा सकता है, यानी जो करंट बोलेरो इंडियन मार्केट में बिक रही है, इसके अलावा जो बोलेरो न्यू आती है उसका जो लुक है उसके मुकाबले जो नई बोलेरो न्यू प्लस रहेगी उसका लुक आपको कंप्लीटली नया देखने को मिल सकता है। तो एक्सटीरियर में काफी ज्यादा बदलाव किए जा सकते हैं, इसके अलावा इंटीरियर में भी काफी ज्यादा अपडेट्स किए जाएंगे, जैसे कि आपको बड़ा सा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है, डैशबोर्ड का डिजाइन कंप्लीटली नया रखा जा सकता है, सीट के कंफर्ट को थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सकता है, आपको इंटीरियर में स्पेस अच्छा खासा मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ एडवांस फीचर्स को भी इंक्लूड किया जा सकता है, क्योंकि ये बोलेरो सेगमेंट की थोड़ी सी महंगी कार होने वाली है। महिंद्रा कंपनी इस कार को 5 मई को इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च करेगी। इसके अलावा इस कार की कीमत लगभग 8 या फिर 9 लाख रुपए से शुरू हो सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस कार के अंदर आपको थार वाला ही इंजन स्पेसिफिकेशन का ऑप्शन मिलने वाला है। अगर मैं सेकंड कार की बात करूं तो अगले महीने मारुति सुजुकी जिम्नी को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है, और जिम्नी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के बाद थार को टक्कर देगी। इसके अलावा फोर्स के गुरखा को भी टक्कर देने वाली है। तो इस सेगमेंट के अंदर अब मारुति सुजुकी जिम्नी को उतारने वाली है, जो कि डीलरशिप पर ऑलरेडी पहुंच चुकी है, यानी शोरूम पर ये आ भी चुकी है। अगर आपको इस कार को परचेस करना है तो आप नियर बाय शोरूम में विजिट कर सकते हैं, और इस कार को आप डेफिनेटली वहां पर जाकर देख सकते हैं। ये कार आपको नेक्सा के शोरूम के थ्रू मिलने वाली है, तो आप नियर बाय नेक्सा के शोरूम में विजिट कर जिम्नी को देख सकते हैं। जिम्नी का एक्सटीरियर लुक काफी ज्यादा बेहतरीन है, इसका फ्रंट का फीचर, रियर का प्रोफाइल दिखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, और इस कार के इंटीरियर में आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। जिम्नी की कीमत 10 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। हालांकि जिम्नी को 5 डोर वर्जन के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है, लेकिन महिंद्रा की थार सिर्फ 3 डोर के साथ आती है। थार का भी 5 डोर वाला मॉडल बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। जिम्नी को इंडियन मार्केट में ऑफिशियली 15 मई को लॉन्च किया जाना है, और इस कार की कीमत लगभग 10 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। आपको क्या लगता है, मारुति सुजुकी की जिम्नी थार को टक्कर दे पाएगी कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तीसरे नंबर पर किया कि सेल्टॉस है, और सेल्टॉस का फेसलिफ्ट मॉडल अगले महीने इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है, जिसके अंदर आपको काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाएंगे एक्सटीरियर में, इंटीरियर में, और इसका इंटीरियर अब आपको कंप्लीटली नया देखने को मिल जाएगा। हालांकि ग्लोबल मार्केट में सेल्टॉस का फेसलिफ्ट मॉडल ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, अब बारी है इंडिया में। इसके एक्सटीरियर में बदलाव किए जाएंगे, फ्रंट फीशा थोड़ा सा अपडेट हो जाएगा, रियर के फीशा में आपको LED टेललाइट का सेटअप नया देखने को मिल जाएगा, न्यू अलॉय व्हील का डिजाइन इसके अंदर ऑफर किया जाएगा, और इंटीरियर में काफी ज्यादा फीचर्स आपको नए देखने को मिल जाएंगे। यहां पर कनेक्टेड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया जाएगा, ये सबसे बड़ा अपडेट आपको इसके इंटीरियर में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद डैशबोर्ड का डिजाइन कंप्लीटली नया रखा जा सकता है, सीट को थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, और भी ढेर सारे फीचर्स आपको किया सेल्टॉस के फेसलिफ्ट मॉडल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किया सेल्टॉस के फेसलिफ्ट मॉडल के अंदर किया कंपनी पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन भी ऑफर कर सकती है। ये सब कुछ चीजें हमें 15 तारीख को पता चल जाएंगी, क्योंकि 15 मई को इस कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है, और इस कार की कीमत 10.5 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। चौथे नंबर पर मारुति सुजुकी की फ्रॉन्ग से, जिसको इंडियन मार्केट में रिवील किया जा चुका है, लेकिन इस कार को अब लॉन्च करना बाकी है, और ये कार भी डीलरशिप पर
पहुंच चुकी है। इसको भी नेक्सा के थ्रू बेचा जाएगा। आपको अगर इस कार को देखना है तो आप नियर बाय नेक्सा के शोरूम में विजिट कर सकते हैं और डेफिनेटली वहां पर आप इस कार को देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डीलरशिप यार्ड पर जिमनी और फ्रॉन्क्स ऑलरेडी पहुंच चुकी है। आप नियर बाय नेक्सा के शोरूम में विजिट कर इन दोनों ही कारों को देख सकते हैं और अपना डिसीजन बना सकते हैं। अगर मैं फ्रॉन्क्स की बात करूं तो ये बलेनो का एसयूवी वर्जन होने वाला है। इसका लुक आपको कंप्लीटली नया देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसका फ्रंट फीशा देखने के बाद आपको ग्रैंड विटारा की याद आने वाली है और इसका रियर का फीशा कंप्लीटली नया रखा गया है। इंटीरियर में आपको बहुत सारे फीचर्स बलेनो के ही देखने को मिल जाएंगे, यानी इंटीरियर के अंदर आपको इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जो भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा एक्सटीरियर में। इंजन स्पेसिफिकेशन भी आपको लगभग सेम मिल जाएगा। लॉन्चिंग की बात करो तो फ्रॉन्क्स को इसी महीने इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है, यानी 28 अप्रैल को इसको ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा, यानी इसके प्राइजेस आउट हो जाएंगे। इसके एक्सपेक्टेड प्राइस लगभग 8 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको क्या लगता है फ्रॉन्क्स की कीमत कितनी होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। आखिरी नंबर पर निसान की एक्सट्रेल आती है, जो कि एक प्रीमियम सेगमेंट की एसयूवी कार होने वाली है और ये कार शायद टोयोटा फॉर्च्यूनर के सेगमेंट में लॉन्च हो सकती है। इसको ऑलरेडी इंडियन मार्केट में रिवील किया जा चुका है, अब बारी है लॉन्च करने की। निसान की तरफ से आने वाली ये अपकमिंग एसयूवी कार होने वाली है, जिसका एक्सटीरियर लुक मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इसका फ्रंट का फीशा भी दिखने में काफी ज्यादा कूल लगता है और रियर का फीशा आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। हालांकि निसान कंपनी ने इस कार के इंटीरियर में काफी ज्यादा बेहतरीन फीचर्स ऑफर करे हैं, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप इसका डैशबोर्ड देख सकते हैं, काफी नीट एंड क्लीन आपको डैशबोर्ड का डिजाइन देखने को मिल जाएगा। बड़ा सा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है, मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन आपको मिलेगा और भी ढेर सारे फीचर्स आपको निसान की इस अपकमिंग कार के अंदर देखने को मिल जाएंगे। हालांकि इस कार को 1 मई को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है, यानी इस कार के प्राइसेस 1 मई को रिवील हो जाएंगे। तो ये 5 न्यू एसयूवी कार्स थी जिनको अगले महीने इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है, या फिर सिर्फ फ्रॉन्क्स इकलौती ऐसी कार है जिसको 28 अप्रैल को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। तो इन 5 एसयूवी कारों में से आप किस कार का इंतजार कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और साथ ही में ये भी बता देना कि मारुति सुजुकी की जिम्नी थार को टक्कर दे पाएगी कि नहीं। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिनको आने वाले समय में एक अच्छी कार लेनी है।